शिमाली कश्मीर के बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी से ये खबर आ रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक रिहायश पजीर घर से जो है आग नमदार हुई। हालांकि आनन फानन में इसने पूरी इमारत को जो है अपने लपेट में लिया है और ये बताया जाता है काफ़ी नुकसान हुआ है। और जिसका जो ये मकान है उसका नाम बताया जाता है मोहम्मद अशरफ कोहली, सना मोहम्मद अकबर कोहली। ये नावारुंडा लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नज़दीकी इलाका है वहाँ का रहने वाला है। और आज दौरान शब जो है इस मकान से जो है आग नमदार हुई। हालाँकि अभी तक जो है ये पता नहीं चला ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ या किसी और कारण की वजह से, क्योंकि जिस वक्त वहाँ पर ये आग लगी उसके बाद जो है मुकामी लोग जो आसपास के पड़ोसी हैं चाहे इनके जो रिलेटिव्स हैं वो वहाँ पे पहुँचे और फायर टेंडर की बात करें जो वहाँ पे फायर स्टेशन है उनके जो नफरी है वो वहाँ पे पहुँचे, एनएचपीसी के जो एहलकार हैं वो वहाँ पे पहुँचे, चाहे हम फौजी एहलकारों की बात करें या दीगर लोगों की बात करें। और बताया जाता है काफ़ी नुकसान हुआ है और हालाँकि इससे पहले भी काफ़ी सारे मामले जो है वो सामने आए। बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें या बारामूला सोपोर हो या दीगर इलाकों की बात करें जहां पे इस तरह के इंसिडेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। और आज भी दौरान शब जो ये मकान है ये जलसकर खाकस्तर हुआ। जितने भी इसमें चीज़ें थी, जितने भी सामान था इसमें, हालांकि वो इस के लपेट में आया है और बताया जाता है लाखों में नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो नावारुंडा का इलाका है ये लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है और वहाँ से ये जो दुखद खबर अभी थोड़ी देर पहले सामने आई, क्योंकि ये बताया जाता है एक रिहायश पजीर घर से जो है आग नमदार हुई, उसने पूरी इमारत को अपने लपेट में लिया है और जाता है काफ़ी नुकसान हुआ है। और फायर टेंडर के हवाले से बात करें, क्योंकि इन्होंने भी काफ़ी मशक्क़त की थी इसको बुझाने की, मगर आग इतनी भयानक थी इसने पूरे इमारत को जो है अपने लपेट में लिया है। और देखा जाए वहाँ के मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है, जिनका ये हाउस था, जिनका ये मकान था, उनका ये भी कहना है कि हम इंतज़ामिया के साथ साथ तहसील इंतज़ामिया SDM ऊड़ी या तहसीलदार ऊड़ी से अपील करते हैं कि वो बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर आए, एक कमेटी बनाए, वो जो विज़िट करें इस मकान का कितना क्या नुकसान हुआ है, हालांकि उसका जो है भरपूर जो है मदद मिलनी चाहिए। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। नज़दीक बैठा है ना, ये गलत बैठा है।